बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान अटामिक एनर्जी की न्यू जॉब्स के बारे में बताऊंगा। अटामिक एनर्जी के डिफरेंट डिपार्टमेंट में बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स आई हैं, जिसके लिए आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब की मुकम्मल तफसीलात के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हमारी इसी तरह की वीडियो सबसे पहले मिलें। तो आप इस जॉब की मुकम्मल तफसीलात रीड करने के लिए और इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले गूगल पे आएंगे और गूगल पे आप सर्च करेंगे jobs24pk.com। सिंपली आप गूगल पे लिखेंगे jobs24pk.com और इंटर करेंगे तो यहाँ टॉप पे आपकी एक वेबसाइट शो होगी, www.jobs24pk.com वेबसाइट। सिंपली आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। दोस्तों, ये वेबसाइट आपके पास जैसे ही ओपन होगी, पाकिस्तान अटामिक एनर्जी की जॉब्स गवर्नमेंट जॉब्स हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे नीचे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे आपको तीन पोस्ट मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप एक पोस्ट देखेंगे, न्यू जॉब्स इन अटामिक एनर्जी, PO बॉक्स 2023। ठीक है, एक ये पोस्ट है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद न्यू जॉब्स इन पाकिस्तान अटामिक एनर्जी, ये सेकेंड पोस्ट, और उसके बाद थर्ड पोस्ट ये है PO बॉक्स 1632। इन तीनों पोस्टों में एटॉमिक एनर्जी की न्यू जॉब्स हैं। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे PO बॉक्स 2023 की जॉब्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिकल ऑफिसर की जॉब्स हैं, उसके बाद इसमें असिस्टेंट की जॉब्स हैं और इसके लिए यहाँ पे सैलरी भी आप सामने देख सकते हैं। उसके बाद टेक्नीशियन की जॉब है, उसके बाद स्पेशल व्हीकल ऑपरेटर, उसके बाद टेक है जिसके लिए मैट्रिक एजुकेशन होनी चाहिए, और उसके बाद कुक की जॉब्स हैं, उसके बाद ड्राइवर की जॉब्स हैं। नीचे अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार और यहाँ पे इसकी जो शरायत हैं, जो हदायत हैं, वो भी यहाँ पर लिखी गई हैं। उसके बाद मैं दूसरा एड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे न्यू जॉब्स इन पाकिस्तान अटामिक एनर्जी और इसकी यहाँ पर जॉब पोजीशन जो है वो टेक्नीशियन वन है, उसके बाद टेक्नीशियन टू, उसके बाद टेक्नीशियन थ्री। टेक्नीशियन वन के लिए DAE होना चाहिए, टेक्नीशियन टू के लिए FSC और टेक्नीशियन थ्री के लिए मैट्रिक एजुकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो देख सकते हैं। एक्सपीरियंस इसके लिए नील है, सिर्फ एक पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस जो है रखा गया है। उसके बाद आप यहाँ पे थर्ड नंबर वाली पोस्ट को ओपन करेंगे, PO बॉक्स 1632। इसमें आप देख सकते हैं टेक्नीशियन टू और टेक्नीशियन थ्री की जॉब्स हैं जिसके लिए एजुकेशन मैट्रिक और डिप्लोमा होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका ऑफिशियल एड आप देख सकते हैं। उसके बाद अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसीजर और बाकी तमाम हदायात यहाँ पे लिखी गई हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने तमाम दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।